जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव के बारे में, हम लोग शुरू करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 है, ये आपका चैप्टर 3 है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो उससे पहले वाली वीडियो में हमने लेजिस्लेचर के बारे में जाना था, स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर के बारे में जब हमने जाना था कि कैसे लॉ बनता है, लॉ में मतलब जो प्रिसीडिंग ऑफिसर होता है विधानसभा विधान परिषद क्या क्या होता है और कैसे जो लॉ पास किया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। अब हमें देखना है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, जुडिशरी का काम है जो भी लॉ बनाए उसके ऊपर चेक रखना, जो लॉ बना उसको चेक रखना। मतलब मान लीजिए लेजिस्लेचर ने लॉ पास करा, अब जुडिशरी ये चेक करेगी कि जो लॉ पास हुआ है क्या वो सबके बेनिफिट के लिए है कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जुडिशरी ये चेक करेगी कि मतलब जुडिशरी के पास केस तब जाएगा जब एक ग्रुप ऑफ पीपल अपील करेंगे। ऐसे नहीं कि जुडिशरी खुदा के बोलेगी, अगर गवर्नर ने साइन कर दिया और अगर लोगों ने उसके खिलाफ विरोध नहीं करा, वो तो पब्लिक के ऊपर है ना कि वो उस लॉ को चैलेंज करने के लिए कोर्ट में लेके जाए या ना जाए। जुडिशरी खुदा के मतलब जुडिशरी खुदा के ये नहीं बोलेगी कि आपने लॉ गलत पास करा है। जब तक लोग उसके पास पिटीशन साइन नहीं करेंगे तब तक जुडिशरी काम नहीं करेगी। तो हमने एक चीज़ बताई कि जुडिशरी चेक करती है कि जो लॉ बनाए वो सही है कि नहीं। दूसरी चीज़, जुडिशरी का काम ये भी है कि जो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है, जो लॉ पास किया गया है, लोगों ने एक्सेप्ट भी करा है, क्या उस लॉ को सबसे बेनिफिट हो रहा है, उस लॉ का सब पे बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं, ये भी जुडिशरी का काम है। अभी हम लोग जुडिशरी पर ध्यान नहीं देते, बेसिकली आपके एनसीईआरटी में जुडिशरी नहीं दिया है। तभी मैं क्लास 7th एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा हूँ तो उसमें जुडिशरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगा जुडिशरी के ऊपर। पर जो जुडिशरी है वो देखिए गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, जैसे कि लेजिस्लेचर में जो आपके लॉ बनाते हैं वो सारे गवर्नमेंट के पार्टी के लोग होते हैं, सेम एग्जीक्यूटिव वही लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। पर जो आपका जुडिशियरी है वहाँ पर जो लोग हैं वो किसी के अंडर काम नहीं करते, तो इसीलिए जुडिशियरी को सबसे ज़्यादा पावर दी गई है कि वो किसी के अंडर काम ही ना करें। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप डाल सकते हैं यूट्यूब पे द वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी स्टेट लेजिस्लेटिव, तो आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करने आएंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। अब जो आपको एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट करता है, मैं आपको हायरार्की ऑर्डर में बता देता हूँ कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं। जैसे कि आपका जो लेजिस्लेचर में विधानसभा विधान परिषद आता है, फिर उसके अंदर जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होता है टर्म क्या होता है वो सब आता है। उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट में जो आपका सबसे बड़ा होता है वो होता है गवर्नर। जैसे हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल हेड, लाइक अगर हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो एक ऑफिशियल हेड है, पर जो हमारे देश का चीफ मिनिस्टर, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वो हमारा रियल हेड है। तो उसी तरह एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ही रियल हेड होता है, यानी कि जो आपका चीफ मिनिस्टर है वो आपका रियल हेड होगा, मतलब सारी पावर इसी के पास होंगी, पर जो डिसीजंस होंगे वो गवर्नर के अंडर लिए जाएंगे, वो आपको बताता हूँ कैसे। फिर चीफ मिनिस्टर के अंडर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट जो स्टेट कैबिनेट है उसके मिनिस्टर। और फिर आता है आपका मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, स्टेट मिनिस्टर। और जो आखिरी में आता है उसे कहते हैं हम लोग डेप्यूटी मिनिस्टर। अब ये हायरार्की ऑर्डर है, और फिर इन सब के नीचे आते हैं सिविल सर्वेंट्स। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ा कौन होता है, गवर्नर। गवर्नर होता है हमारा ऑफिशियल हेड, लाइक प्रेसिडेंट इज ऑफिशियल हेड ऑफ अ कंट्री। चीफ मिनिस्टर होता है उसके बाद, अब चीफ मिनिस्टर होता है रियल हेड, सारे डिसीजन चीफ मिनिस्टर ही लेता है, पर अंडर किसके लेगा वो, गवर्नर के अंडर चीफ मिनिस्टर डिसीजन लेगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो लोग होते हैं जो चीफ मिनिस्टर को चूज़ करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ग्रुप ऑफ पीपल विच आर इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर को जो इलेक्ट करते हैं, नॉट इलेक्टेड, मतलब चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं करता, ये इलेक्ट करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि अभी देखो
अभी जैसे कि अभी मैं मतलब यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बात करूँ, जैसे कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारी, तो वो पूरा कैबिनेट है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, ये सब पूरी कैबिनेट है। तो उन कैबिनेट के जो जो मिनिस्टर हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर। पर जो स्टेट मिनिस्टर की स्टेट की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो उनके जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, ये कैबिनेट होती है वो तो यूनियन के लिए होता है, ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के लिए है। और जो स्टेट है वो स्टेट के एजुकेशन मतलब स्टेट के मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। और फिर आता है आपका डिप्टी मिनिस्टर, जो स्टेट मिनिस्टर के, जैसे कि स्टेट मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्ट्री का मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड पर्सन है, कोई एक्स वाई जेड पर्सन जो कि आपका स्टेट स्टेट मिनिस्टर है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब स्टेट मतलब ये जो एक्स वाई जेड है जो कि मिनिस्टर है उसका जो सबॉर्डिनेट यानी कि उसका जो छोटा हुआ उसे बोलते हैं हम लोग डेप्यूटी मिनिस्टर। सेम जैसे कि डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर होता है इसी तरह डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, तो सेम वही काम है। तो ये तो आपका हायरार्की ऑर्डर है। तो सबसे पहला कौन होता है, सबसे ऑफिशियल हेड कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे आपका गवर्नर है। तो किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले गवर्नर के बारे में, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं इतना। तो अब हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अब जो आपका गवर्नर है सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि जो गवर्नर है वो है हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव है उनका वो हेड है, लेजिस्लेचर का हेड नहीं है पर स्टेट का हेड है एग्जीक्यूटिव का, सॉरी। और दूसरी चीज, ही इज ओनली द ऑफिशियल हेड, जैसे कि आपको बताया। अब ऑफिशियल हेड का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको समझाता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है जो कि आपका गवर्नर है, और जो बी पर्सन है वो आपका चीफ मिनिस्टर है। अब जो डिसीजंस लेगा ये तो आपका हेड है ही। अगर कोई बोले कि स्टेट का हेड कौन है, स्टेट का ऑफिशियल हेड कौन है, तो वो सब लोग बोलेंगे गवर्नर स्टेट का ऑफिशियल हेड है। पर हम लोग बात करें रियल हेड कौन है, जैसे कि असल में डिसीजन कौन लेता है, कौन लॉ बनाता है, किसके अंडर सारे मिनिस्ट्री आती हैं, वो कौन है, वो चीफ मिनिस्टर है आपका। आपका चीफ मिनिस्टर है, पर चीफ मिनिस्टर जो लॉ बनाएगा वो किसके अंडर बनाएगा, चीफ मिनिस्टर जो लॉ बनाएगा वो लॉ बनाएगा गवर्नर के अंडर। यानी कि जो भी बिल पास होगा स्टेट लेजिस्लेचर से, जो भी बिल पास होगा उस पर गवर्नर के सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अभी हम लोग पढ़ेंगे पावर्स में, ये पावर में आपको अच्छे समझ में आ गया गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर ऑफिशियल हेड क्यों है, क्योंकि इसके साइन के बिना चीफ मिनिस्टर कुछ काम कर ही नहीं सकता, तो इसलिए ये एक ऑफिशियल हेड है और ये आपका रियल हेड है। मतलब असल में जो प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहा है वही ले रहा है, पर उस प्रैक्टिकली डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है, गवर्नर करवा रहा है। आयोग आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब जो आपका गवर्नर है वो एक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, जिसके पास रियल पावर है। आई होप आपको समझना चाहिए होगा रियल पावर, मैंने आपको अच्छे समझा दिया था। रियल पावर मतलब ऑन ग्राउंड पावर इसी के पास है, पर जो लेजिस्लेटिव में जो साइन करवाने वो गवर्नर करेगा, पर जो कि इस गवर्नर है वो सीएम के एडवाइस पे काम करता है। हम लोग बात करेंगे कि अपॉइंट कैसे होता है गवर्नर। अब सिंपल सी बात है भाई, गवर्नर को कौन इलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट। अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया का प्रेसिडेंट। अब एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं कि एक गवर्नर एक ही जगह का गवर्नर हो सकता है, लाइक यूपी का गवर्नर जरूरी नहीं कि यूपी का ही हो, वो बिहार का भी हो सकता है। तो पर्सन कैन बी द गवर्नर
ऑफ मोर देन वन स्टेट, यानी कि एक स्टेट से ज़्यादा का भी वो गवर्नर बन सकता है, यानी कि पर्टिकुलरली एक ही स्टेट का गवर्नर हो, पर हाँ बनाते नहीं है प्रैक्टिकली, पर वो बन सकता है। तो हम लोग बात करेंगे टर्म क्या है, मतलब ये इसका टर्म मतलब ये कब तक गवर्नर बनाए रह सकता है, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। अब जो इसका बेसिक टर्म है, मतलब इसका कार्यकाल जिसे हम लोग कहते हैं, वो है 5 ईयर्स का, मतलब ये 5 साल तक गवर्नर रह सकता है। पर जो कि स्पेशल कंडीशंस हैं कुछ, जैसे कि अगर इसे रिज़ाइन होना है, ही कैन रिज़ाइन ऑल्सो बिफोर हिस टेन्योर कंप्लीट्स, यानी कि अगर इसका टेन्योर कंप्लीट होने के पहले से वो रिज़ाइन कर सकता है। अभी रिज़ाइन कैसे करेगा, ये रिज़ाइन करेगा मतलब रेजिग्नेशन लेटर जो कि प्रेसिडेंट को देगा, तो जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसे देता है, वो टू प्रेसिडेंट को देता है, ये रेजिग्नेशन लेटर, जो रेजिग्नेशन लेटर है वो प्रेसिडेंट को देता है। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उसे हटा भी सकता है, प्रेसिडेंट अगर इसने कुछ गलत काम करा है जो कि स्टेट के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए हमारे इंडिया की खूबसूरती क्या है, इंडिया की खूबसूरती कि कोई भी अकेला डिसीजन नहीं लेता, प्रेसिडेंट भी इसे तब रिमूव करेगा जब पीएम उसे एडवाइस करेगा, ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट ने अपना मन करा इसे रिमूव कर दिया। जब तक पीएम उसे एडवाइस नहीं करेगा तब तक, मतलब जब उसे पीएम की एडवाइस चाहिए होगी, पीएम से एडवाइस लेके उसे हटा सकता है। तो ये हमारी इंडिया की खूबसूरती कि कोई किसी को हटा नहीं सकता अकेला, कोई डिसीजन ले नहीं सकता, मतलब लीविंग जुडिशरी, जुडिशरी में भी ऐसे नहीं कि एक एक डिसीजन लेता है, बेंच ऑफ जजेस होती हैं जो डिसीजन लेते हैं। तो हमने देखा कि टर्म क्या इसका 5 साल का ही होता है, रिज़ाइन भी कर सकता है पहले, इसका टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, और रिजिग्नेशन लेटर किसको देता है, प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट चाहे तो उसे रिमूव भी कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे इसकी असली पावर क्या है, जिसमें आपको समझ में आएगा गवर्नर का काम क्या होता है। तो इसकी पावर्स क्या है, सबसे पहली पावर ये है, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट है पावर पर आप लोग ध्यान दें, कि अ बिल पास्ड by legislature becomes law when governor signs it, जब गवर्नर साइन करेगा तब वो लॉ बनेगा, उससे पहले ये लॉ नहीं बनने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल डिसीजन ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज टेकन इन गवर्नर से। अब जब हमको पहले बता रहा था कि जो चीफ मिनिस्टर है जो डिसीजन लेता है वो गवर्नर के नाम पे लेता है, डिसीजंस आर टेकन ऑन हिज नेम, यानी कि जो भी डिसीजन होंगे वो इसी के नाम पे लिए जाएंगे, जो चीफ मिनिस्टर वो डिसीजन लेगा वो इसी के नाम पे लेगा, ऐसे नहीं कि वो अपना नाम लेके डिसीजन कोई भी बना लेगा। और जो तीसरी क्या है कि द गवर्नर अपॉइंट्स मैनी ऑफ द हाई ऑफिशियल ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, जो गवर्नमेंट गवर्नर है अपॉइंट्स, ये पॉइंट बाई पॉइंट है, आप देखोगे हर एक लाइन एक पॉइंट, ऐसे नहीं कि आप लोग इसे कुछ समझें लेस इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर से सारी इंपॉर्टेंट जो मैं लिखवा रहा हूँ। अपॉइंट्स मैनी हाई ऑफिशियल, अब कहाँ के ऑफिशियल इलेक्टेड करेगा, एग्जीक्यूटिव के, ऐसा नहीं कि यूनियन के, लेजिस्लेचर के, स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो भी हाई ऑफिशियल है उनको ये इलेक्ट करेगा। अब क्या है कि द गवर्नर यूजली एक्सरसाइजेस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, ये जो पावर अपने एक्सरसाइज करता है
जो पावर अपनी एक्सरसाइज करता है। ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी पावर यूज करेगा वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की कंसल्ट पे ये यूज करेगा। तो अभी आप लोग इतना कॉपी कर ले, आएगा मतलब अभी हम लोग देखेंगे। अब अगली क्या है कि ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ये रिप्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का जो कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट को जो कि स्टेट में रिप्रेजेंट करता है, और ये प्रेसिडेंट के एडवाइस पे भी एक्ट करता है, एंड ऑल्सो एक्ट्स ऑन एडवाइस ऑफ, भाई अगर प्रेसिडेंट के पास पावर है इसको हटाने की, तो जिसके पास पावर है हटाने की तो उसकी तो पहले सुननी पड़ेगी, वजह से थोड़ी है कि जो आपका बॉस है उसकी अपना सुनना, बॉस की तो सुननी पड़ेगी। अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ कि इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, कि ये स्पेशल पावर्स हैं इसके पास, पावर्स का इसके पास कुछ स्पेशल, एक स्पेशल पावर है कि ये विदाउट कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर ही कैन ऑल्सो टेक डिसीजन, विदाउट कंसल्टिंग चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर। देखिए केवल चीफ मिनिस्टर आ रहा है यहाँ पे, प्रेसिडेंट नहीं आ रहा। ही कैन टेक डिसीजन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग डायसेक्रेटोनरी पावर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पावर को कहते हैं डायसेक्रेटोनरी पावर, डायसेक्रेटोनरी पावर, TONARY, मतलब ये खुद डिसीजन भी ले सकता है बिना चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करो, जैसे कि हमने पहले कहा था कि ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बट एक इसे स्पेशल पावर दी गई है जैसे कहते हैं डायसेक्रेटोनरी पावर, कि ये बिना किसी चीफ मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एडवाइस किए हुए, उनके एडवाइस के बिना भी ये डिसीजन ले सकता है। तो यही थी गवर्नमेंट, जो कि गवर्नर के पास पावर है। तो दिस वॉज ऑल इन द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।